नमस्कार, मैं खुशबू यादव और आप देख रहे हैं BNY न्यूज, एक नई आवाज एक नई पहचान। हम आपको प्रदेश और देश की तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं। इस सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की खबर में क्या कुछ। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किया गया ईवीएम मशीन का प्रदर्शन। आपको बता दें, लोकसभा सामान्य निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए तहसील परिसर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रशिक्षण दिया गया। मंगलवार को रुद्रपुर तहसील परिसर में ईवीएम मशीन VPPAD से होने वाले मतदान का प्रायोगिक प्रदर्शन किया गया। मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से रखे गए इस प्रदर्शन में दर्जनों लोगों ने ईवीएम मशीन पर वोट डाले और उनका वोट किस तरह किस प्रत्याशी को गया, यह भी उन्हें दिखा। इस दौरान वहां मौजूद महिला प्रशिक्षकों ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार मतदाताओं को जागरूक करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी के तहत ईवीएम डेमोंस्ट्रेशन सेंटर पर मशीन को प्रदर्शित करने के साथ ही आम नागरिकों को ईवीएम में मॉक पोल करवाने का भी कार्य किया जा रहा है। BNY न्यूज के लिए रुद्रपुर से RP पांडे की रिपोर्ट। सर, में ये लोकसभा समान चुनाव के लिए ये प्रशिक्षण जागरूकता वाला मशीन लगा है, तो इससे आपको क्या जानकारी मिली है? जो आप बटन दाबे हैं उसी नंबर का ये मशीन में दिखाया, तो अब आपको बटन दाबने में कोई दिक्कत नहीं होगी? ये जो प्रशिक्षण जागरूकता के लिए ये EVM मशीन लगा हुआ है, EVM मशीन, इसको आपने चेक किया है? जो बटन आप दाबे हैं वही नंबर मशीन में दिखा रहा है? हाँ, वही नंबर दिखा रहा है। तो अब जब चुनाव आएगा तो आपको बटन दाबने में कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या नाम आपका है? राम सहारे पांडे। मैडम जी, तो क्या जानकारी लोगों को दे रही हैं? जी, ये कब तक रहेगा यहाँ पर? अच्छा, कहाँ से आप लोग आए हैं? ऐसी तमाम और खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए।